अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमल जैन। आज की वीडियो बिलाल अब्बास खान के टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक ड्रामास के ऊपर बनाई गई है। व्यूअर्स, इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले न्यू मेंबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जी व्यूअर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बिलाल अब्बास खान के टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक ड्रामास के ऊपर बनाई गई। टॉप 10 बेस्ट ड्रामास में से जो बिलाल, व्यूअर्स आप जानते हैं कि जो बिलाल अब्बास खान हैं, एक पाकिस्तानी अदाकार हैं जो मुख्तलिफ ड्रामों में अपने वर्सटाइल रोल्स के लिए जाने जाते हैं। और टॉप 10 ड्रामास में से नंबर 10 पर आने वाला बिलाल अब्बास खान का ड्रामा है औरंगरेज़ा। औरंगरेज़ा ऐसा ड्रामा है जहाँ पर बिलाल अब्बास सजल अली के साथ काम कर रहे हैं। बिलाल अब्बास और सजल अली की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही हिट होती है, सुपर डुपर हिट होती है, और इनके जो फैंस हैं वो उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आती है बिलाल अब्बास और सजल अली की केमिस्ट्री। औरंगरेज़ा जो है वो एक रोमांटिक ड्रामा है जहाँ बिलाल अब्बास खान ने एक कम्प्लेक्स लव स्टोरी में उलझा हुआ नौजवान कासिम के करेक्टर को पेश किया है। बहुत ही ज़बरदस्त एक ये पूरा लव स्टोरी के ऊपर बनने वाला ड्रामा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें नुमान एजाज जो है वो इसमें ड्रामा की स्टोरी में रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का ड्रामा है, और अगर आपने नहीं वॉच किया तो एक दफ़ा ज़रूर वॉच करें। जी व्यूअर्स, नंबर 9 पर आने वाला ड्रामा है कुर्बान। कुर्बान 2017 में टीवी पर प्ले किया गया। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान ने अजलान का करेक्टर प्ले किया है। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान के साथ इकरा अजीज़ की केमिस्ट्री को दिखाया गया है। ये बहुत ही एक ट्रायंगल बेस्ड लव स्टोरी है। इसमें बहुत ज़बरदस्त की एक कम्प्लेक्स स्टोरी को दिखाया गया है, किस तरह से बिलाल अब्बास अपनी मोहब्बत की तलाश करता है, किस तरह बेशुमार चैलेंजेस का सामना करता है। बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टोरी को दिखाया गया है। इसमें इकरा अजीज़ बिलाल अब्बास को पसंद करती हैं, उनकी शादी फिर कैसे शहजाद शेख से हो जाती है। बहुत ही कमाल की एक बेस्ट लव स्टोरी दिखाई गई है व्यूअर्स। अगर आपने ये ड्रामा नहीं वॉच किया बिलाल अब्बास खान का तो एक दफ़ा ज़रूर देखें, बहुत ही कमाल की लव स्टोरी है। जी व्यूअर्स, नंबर 8 पर आने वाला ड्रामा है कुछ अनकही। कुछ अनकही एयर बाई डिजिटल का ड्रामा है। इसमें बिलाल अब्बास के साथ सजल अली स्क्रीन शेयर कर रही हैं। ये ख्वातीन की समाजी तरक्की के बारे में है जिसमें माशरे के तमाम तबकों की ख्वातीनें को दिखाया गया है। इसमें एक गरीब नौकरानी, एक मिडिल क्लास के रियल एस्टेट एजेंट और एक अमीर कारोबारी खातून की कहानी है। बहुत ही एक दिलचस्प स्टोरी है। इसमें बिलाल अब्बास के साथ जो सजल अली स्क्रीन शेयर की है, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो केमिस्ट्री है उनको उसको दिखाया गया है। बहुत ये भी ट्रायंगल बेस्ड लव स्टोरी है। इसमें बहुत ज़बरदस्त एक कहानी को दिखाया गया, और पहली बात ये कि जो बिलाल अब्बास हैं वो इस ड्रामे में भी अपने सारे ड्रामों की तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो अगर आपने कुछ अनकही ड्रामा मिस किया है, नहीं देखा, तो एक दफ़ा ज़रूर देखें। जी व्यूअर्स, नंबर 7 पर आने वाला ड्रामा है दोबारा। दोबारा बिलाल अब्बास खान का ड्रामा हम टीवी पर नशर किया गया 2022 में। इसमें हदीका कादियानी जो है वो बिलाल अब्बास के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। इसकी जो कहानी है वो एक रियल सोसाइटी बेस के ऊपर दिखाई गई है। जो बिलाल अब्बास हैं वो अपने से तकरीबन 20 साल बड़ी औरत के साथ शादी करते हैं, और एक बहुत ही मज़े की लव स्टोरी दिखाई गई है। जो हदीका है उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद भी खुद को ज़िंदा रखना चाहती हैं। आम हमारी जो सोसाइटी है उसकी तरह खुद को मारना नहीं चाहती, तो वो इस तरह बिलाल अब्बास उसकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं और वो बिलाल अब्बास से शादी करती है। तो बहुत ही एक कमाल की स्टोरी दिखाई गई है। इसमें हदीका कादियानी जो है उन्होंने महर उनिसा का रोल प्ले किया है, और बहुत ही कमाल की स्टोरी है व्यूवर्स। बहुत ही मज़े का ये ड्रामा बनाया गया। इसमें फ़न भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है। तो अगर आपने फुल ऑन पैकेज है, तो अगर आपने ये ड्रामा नहीं वॉच किया तो एक दफ़ा ज़रूर वॉच करें। जी व्यूवर्स, नंबर 6 पर आने वाला ड्रामा है बला। बला 2018 में एयर बाई डिजिटल पर नशर किया गया। इसमें बिलाल अब्बास खान का जो करेक्टर है वो तैमूर का है, यानी कि बिलाल अब्बास खान जो है वो तैमूर का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसमें जो बिलाल अब्बास खान का एक जो करेक्टर है वो एज अ स्पोर्टी फ्रेंड का है। बहुत ही मासूम दिखाए गए हैं बला ड्रामे। जो बिलाल अब्बास खान है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, अपनी मामा के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ। तो जो इसके साथ इस ड्रामे में बिलाल अब्बास खान के साथ जो स्क्रीन शेयर कर रही हैं वो हैं उशना शाह।
उष्णा शाह का इसमें जो है वो जो औरत का नेगेटिव पार्ट होता है, जो उसकी नेगेटिविटी है उसको दिखाया गया है, उसकी जेलसी को दिखाया गया है कि किस तरह वो अपनी नेगेटिविटी में आकर, अपनी जेलसी में आके पूरा घर को है तबाह करती है, कि बहुत ही ये ना ये खौफाना स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये एक मकाफात की स्टोरी है। तो व्यूवर्स अगर आपने वॉच नहीं किया तो ड्रामा ज़रूर वॉच करें, ये जिस ज़माने में 2018 में टॉप ड्रामाज में से नंबर वन पर आता था। जी व्यूअर्स, नंबर 5 पर आता है चीख। चीख 2019 में एरोवाई डिजिटल पर नशर किया गया। ये बिलाल अब्बास खान का बहुत ही ज़बरदस्त हिट ड्रामा है। जैसे कि बिलाल अब्बास खान ने अपने हर ड्रामे एक बहुत ही रोमांटिक, एक वर्सटाइल रोल जो है वो प्ले किया है, बहुत ही हैंडसम लुक, एक क्यूट लुक जो है इनकी वो देखने को हमें मिली है। लेकिन ड्रामा सीरियल जो चीख है इसमें बिलाल अब्बास खान ने थोड़ा सा एक क्रेमिस्टिक और सिंस्टेयर जो करेक्टर है वो प्ले किया है, थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला ये जो करेक्टर है, इसमें जो विलन है वो भी बिलाल अब्बास खान है और जो हीरो है वो भी बिलाल अब्बास खान है, और बहुत ही कम्प्लेक्स स्टोरी है एक, और इसमें जो है वो इंसाफ और इंतकाम के ऊपर ये कहानी बनाई गई है, बहुत ही सनसनीखेज ये कहानी है और बहुत ही कमाल की ड्रामा है। इसमें जो सबा कमर है वो बिलाल अब्बास खान की एज अ भाभी का रोल प्ले कर रही हैं, और असल जो हीरोइन है जो एक स्ट्रॉन्ग वूमन दिखाई गई है वो सबा कमर है, और ये वुमेंस की पावर के ऊपर बनाया गया है। ये बहुत ही कमाल का ड्रामा है व्यूअर्स, अगर आपने चीख ड्रामा वॉच नहीं किया तो ज़रूर वॉच करें। व्यूअर्स, नंबर 4 पर आता है दंग। दंग 2022 में बिलाल अब्बास खान का ड्रामा जो है वो नशर किया गया। बिलाल अब्बास खान ने इंसाफ और सच्चाई के मौजूद को तलाश करने वाले इस शदीद ड्रामे में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैदर का किरदार जो है वो प्ले किया है। दंग ड्रामा सीरियल में बिलाल अब्बास खान के साथ जो सना है उन्होंने स्क्रीन शेयर किया है, सना जावेद ने। सना जावेद हमेशा की तरह इस ड्रामे में बहुत ही एक खूबसूरत करेक्टर प्ले कर रही हैं, बहुत प्यारी नज़र आ रही हैं। और बिलाल अब्बास खान के इस जो ड्रामा है, ये जो स्टोरी है वो एक यूनिवर्सिटी लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस स्टोरी में सना का जो करैक्टर है वो नेगेटिव दिखाया गया है। जैसे जैसे आप ड्रामा देखेंगे आपको पता चलेगा कि असल जो मुजरिम है वो कौन है। स्टार्टिंग पे ये जो ड्रामा है वो बहुत ही एक ना ड्रामेटिक स्टोरी बताई गई है। इंसान ये ड्रामा देखेगा तो इसके अंदर जो एक होता है ना पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट एपिसोड तक हमें हकीकत का पता नहीं चलता कि सच्चा कौन है, किसके खिलाफ साजिश की जा रही है, कौन बेचारा मासूम एवं फंस रहा है। तो बहुत ही कमाल की एक स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त। पर्सनली मेरा ये फेवरेट ड्रामा था। तो व्यूअर्स अगर आपने वॉच नहीं किया तो ज़रूर वॉच करें। जी व्यूअर्स, नंबर 3 पर आता है प्यार के सदके। प्यार के सदके 2022 में हम टीवी पर नशर किया गया। इसमें बिलाल अब्बास खान ने अब्दुल्ला का करेक्टर को पेश किया है। इसमें जो बिलाल अब्बास खान हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और मासूम नौजवान का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक बहुत ही पेचीदा मोहब्बत की एक ट्रायंगल बेस कहानी है। इसमें बिलाल अब्बास खान के साथ यमुना जैदी ने स्क्रीन जो है वो शेयर की है। यमुना जैदी का और बिलाल अब्बास खान का करेक्टर स्टोरी है, ड्रामा है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। इसमें यमुना जैदी भी बहुत क्यूट है। एक बचपना दिखाया गया है इसमें कि हीरो जो हीरो और हीरोइन है वो स्टैंड नहीं है, वो इतने जो हैं वो, इसमें यमुना जैदी में भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, उनका थोड़ा सा जो आईक्यू लेवल है उसको वो कम है, और बिलाल अब्बास खान जो हैं वो भी बहुत ही मतलब कोई मैच्योरिटी लेवल पर नहीं है। ये बहुत ही एक ना हम इसको कह सकते हैं कि एक फ़नी ड्रामा है। इसमें पूरा ड्रामा दिखाया गया हमें, पूरा रोमांस दिखाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। ये टॉप ड्रामा है अपने जब ये टीवी पर लग रहा था उस वक्त, तो तमाम यमुना जैदी के और बिलाल अब्बास खान के फैंस का फेवरेट ड्रामा है। तो व्यूअर्स ज़रूर वॉच करें एक दफ़ा। जी व्यूअर्स, नंबर 2 पर आने वाला ड्रामा है अब्दुल्लापुर का देवदास। अब्दुल्लापुर का देवदास इंडिया के चैनल जिंदगी पर अभी भी कंटिन्यू है। ये इसकी अभी कुछ ही एपिसोड्स हुई हैं, इसके अभी 8 एपिसोड्स हुई हैं, और बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो अंजम शहजाद हैं। इसमें एक छोटे से शहर में कायम अब्दुल्लापुर का देवदास आने वाले दौर की कहानी है। हाउएवर गुलबानो की एक फंटेसी को देवदास नामी एक गुमनाम शहर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और बहुत ही कमाल की इसमें जो बिलाल अब्बास खान है उनके साथ सारा खान ने स्क्रीन को शेयर किया है, और दोनों की जो केमिस्ट्री है वो टॉप क्लास है, बहुत ही जो हसीन इनकी केमिस्ट्री को दिखाया गया है व्यूवर्स, और उसी के साथ व्यूवर्स ये अभी कंटिन्यू है और बहुत ही कमाल का ड्रामा है, बहुत ट्रेंडिंग पर जा रहा है, और अगर आपने वॉच नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर वॉच करें।
व्यूअर्स नंबर वन पर आता है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद भी अभी कंटिन्यू है, ये 2023 में स्टार्ट हुआ, लेकिन चंद ही इसकी एपिसोड जो है वो टीवी पर देखने को मिली और बाकी का ये जो ड्रामा था वो 2024 में हमें देखने को मिला है। ये पूरा रोमांटिक बेस पे ड्रामा है, इसकी क्या बात की जाए। मेरे ख्याल से कि ये हर बंदा अभी तक देख रहा है जो रोमांटिक ड्रामा इश्क मुर्शिद, पाकिस्तान की बजाय ये जो है वो अदर कंट्रीज में ज़्यादा देखा जा रहा है इश्क मुर्शिद, और यही इसकी एक वजह है कि ये इतना पॉपुलर बेस पे जा रहा है। इश्क मुर्शिद में जो बिलाल अब्बास खां है उनकी जो लुक दिखाई गई है वो औसम दिखाई गई है, बहुत ही कमाल के उनको दिखाया गया है। इसमें बिलाल अब्बास खां ने दो रोल्स प्ले किए हैं और ये कोई ट्विंस नहीं है इंडियन मूवीज़ की तरह, इसमें एक ही बंदा है वो जो शिब्रा, इसमें दुर्रे फिशा ने बिलाल अब्बास खां के साथ स्क्रीन शेयर की है और दुर्रे फिशा का जो नाम है वो शिब्रा आया है। और इसमें बिलाल अब्बास खां जो है वो एक पॉलिटिशियन है और जब उनको दुर्रे फिशा पसंद आती है तो वो फजल बख्श का जो रोल है वो अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, वो खुद को फजल बख्श दिखाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। अभी बस अगर आपने ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर वॉच करें, अगर आपने ये नहीं देखा आजकल तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। तो व्यूवर्स ये थे आज के हमारी वीडियो के टॉप 10 ड्रामास, बिलाल अब्बास खां के ड्रामास। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली हर नई वीडियो और हर ज़बरदस्त वीडियो को देख सकें और उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। व्यूवर्स आपने अगर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ड्रामास देखकर या बहुत ही बोंगी स्टोरीज देखकर खुद को आपने बहुत ही ज़्यादा एक मायूस कर लिया, बहुत ही अटिपिकल तरह की स्टोरीज देखकर, तो आप उनसे बेहतर है कि आप ये टॉप लव स्टोरीज ड्रामास देखें और थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी फील करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।